हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल हाइपर ट्रेड इज बी मैं हूँ मोहम्मद सुहेल आज आप लोगों के लिए मैं फिर से स्टॉक लेके आ गया हूं एनटीपीसी आपको पता ही है दोस्तों एनटीपीसी के अंदर तो प्राइस एक्शन उतना नहीं बनता इसीलिए इसके अंदर इंट्रा करना तो हमारे लिए जायज़ नहीं होगा क्योंकि देखिए हमारे पास कैपिटल रोटेट होना चाहिए जो स्टॉक में अच्छा खासा प्राइस एक्शन हो अगर हम लोग एन टी बाई कर रहे हैं गेल बाई कर रहे हैं ओ एन बाई कर रहे हैं और कोल इंडिया कौन सा भी स्टॉक

अंदर इंट्राडे कर ही नहीं पाते पचास से साठ रुपए के प्राइस सेक्शन में हम लोग हजार रुपए का हजार क्वांटिटी भी ले लेंगे तो हमें इसके अंदर पांच सौ से छः सौ प्रॉफिट इंट्राडे में हो जाएगा पर क्या वो लेवल जब तक अचीव होगा क्योंकि देखिए दोस्तों प्राइस एक्शन होता है तो उसके अंदर दो से तीन रुपये पाँच रुपये में तो इंट्राडे में एग्जिट हो जा सकते हैं पर ऐसे स्टॉक में प्राइस एक्शन बनता है तो बहुत कम बनता है इसके लिए मैं कभी भी किसी को एन के अंदर इंट्राडे करने की सजेशन नहीं देता हूँ जब मैं वीडियो अपलोड करता हूँ जब भी मैं मेरे वीडियो के आखिरी में इंट्राडेटिव देता हूँ दोस्तों पिछली बार जब मैंने वीडियो अपलोड किया था जब स्टॉक था दोस्तों नाइन्टी लेवल के पास जब आप सभी को मैंने एक ही बात कहा था दोस्तों एन टी पी सी नाइन्टी लेवल के पास से स्टॉक बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटी पे मिल रहा है कम दाम में स्टॉक हमें स्टॉक मार्केट में मिल रहा है हम लोग इसे बाई करेंगे इसे फाइव रुपीज के हिसाब से एवरेज करेंगे और हमारा वीकली टारगेट होगा नाइन्टी फोर रुपीज़ मैंने ये वीक के लिए कहा था पिछले हफ्ते में अब उसके बाद हमारे इसके अंदर मंथली टारगेट से नाइन्टी सिक्स रुपीज़ आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया था शॉर्ट टर्म टारगेट मेरे इसके अंदर एन के अंदर एक लेवल है ये भी आप लोगों को मैं पहले से बताते ही आ रहा हूँ दोस्तों अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल के लिए नए हैं अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए सब्सक्राइब करते वक्त बेल बेलाइकॉन को हिट करके नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिए दोस्तों कभी भी हम लोग कौन से भी स्टॉक में ट्रेड करते हैं तो पहले देखते हैं प्राइस एक्शन प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ही ट्रेड करेंगे तो और प्राइस मूवमेंट के अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे तो हमें प्रॉफिट होनी पक्की है ये कैसे भी हमें पता पर जो स्टॉक में प्राइस एक्शन ही नहीं बनता वैसे स्टॉक के अंदर इंट्रा करना जायज़ नहीं है अभी तक आपको मैंने बता दिया है और एक बात बताता हूँ दोस्तों एन जो लेवल पर ट्रेड कर रहा है एक्चुअली आप कंपेयर टू अदर स्टॉक्स देख सकते हैं जो इसके रिलेटेड स्टॉक्स आते हैं हमें कोल इंडिया देख सकते हैं ओ देख सकते हैं यानी जो मैं प्राइस के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ सेक्टर के अकॉर्डिंग बात नहीं कर रहा हूँ अकॉर्डिंग प्राइस के लेवल्स पे भी देखिए जो प्राइस लेवल जो 100 से 110 के नीचे लेवल तक कौन सा भी स्टॉक होता है उसके अंदर प्राइस एक्शन कमी होता है आप देख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल आप टाटा मोटर्स का भी एग्जाम्पल लीजिए जब स्टॉक नाइन्टी हंड्रेड के लेवल के नीचे था उसका भी प्राइस एक्शन यही लगभग यही लेवल का दोस्तों दोस्तों जब स्टॉक 110, 120 टारगेट मारने लगा जब मैंने आपको बताया था उसके बाद

98, 99, 100, 102 जाके भी स्टॉक रिवर्स आ रहा है तो दोस्तों आप लोगों को ये वाला ही प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा वन एंड हाफ रुपीज या टू रुपीज के नीचे ही प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा अगर ये स्टॉक नाइन्टी से लेके वन टेन लेवल के तक टच करने की कोशिश कर रहा है उसके अब इसके अंदर हम लोग सेम टाटा मोटर्स के जैसा चार रुपये से पाँच रुपये का प्राइस एक्शन देख सकते हैं आज का दिन है फोर्टीन सेप्टेम्बर ट्वेंटी मंडे एन लिमिटेड का क्लोजिंग प्राइस है दोस्तों नाइन्टी पैसा आज इसका डे हाई है नाइन्टी पैसा एंड डे लो है एट्टी पॉइंट सेवेंटी फाइव पैसा ये मेरा टेलीग्राम चैनल है दोस्तों आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन लिंक में लिंक है लिंक को हिट करिए और ज्वाइन करिए मेरा टेलीग्राम चैनल फॉर इंट्राडे लाइव टिप्स एंड स्टॉक मार्केट अपडेट्स के लिए और एक बात आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों इंट्राडे के अंदर ज्यादातर सभी को क्वेश्चन रहती हैं क्वेरीज रहती हैं जिसे प्रॉब्लम में अटक जाते हैं तो देखिए हाइपर ट्रेड एस का इंस्टाग्राम पेज है उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अब लाइव मार्केट के अंदर कभी भी मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं मैं एज सुन एज पॉसिबल रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा दोस्तों अब चलिए आगे बढ़ जाते हैं चार्ट एनालिसिस के ऊपर जब मैंने पिछली बार वीडियो अपलोड कर दिया था दोस्तों जब स्टॉक था लगभग 90 लेवल के पास उसके बाद स्टॉक गया 88 के लेवल भी टच नहीं कराया दोस्तों इसका प्राइस एक्शन आपको पता है 1.50 पैसा और 1.30 पैसा का ही प्राइस एक्शन बनता है यही प्राइस एक्शन के अंदर वो हमारा वीकली टारगेट भी अचीव करेगा दोस्तों थोड़ा सा रखिए आज के दिन वन मारा है फिर रिवर्सल लेके नाइन्टी के, के पास गया है दोस्तों ये नाइन्टी के

एंड डाउन की नहीं होती जब ये मिड रेंज में जाता हुआ दिखता है दोस्तों स्टॉक और इसके आर एस भी मिड रेंज में जाता हुआ दिख रहा है आप देख सकते हैं ये मिड रेंज पकड़ते की आर एस भी मिड रेंज ट्रेड कर रहा है इधर इसके अंदर पॉजिबिलिटी ज्यादातर बाइंग की नहीं होगी ज्यादातर सेलिंग की नहीं होगी क्योंकि इसके अंदर दो भी इक्वल लेवल्स पर चल रहे हैं इसके लिए मिड रेंज में ट्रेड कर रहा है अभी तक ऐसा मिड रेंज आपको किधर भी देखने को नहीं मिला ठीक है दोस्तों ये मिड रेंज नहीं होता है ये इसका ऊपर का लेवल है और ये इसका नीचे का लेवल है अब देखिए अब मिड रेंज में ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है कल के दिन ये

फिकर रही है दोस्तों आप लोगों को मैंने सपोर्ट भी बता दिया है उसके बाद आप लोगों को 85 और 80 लेवल और इसके अंदर 75 और 70 लेवल तक कैसे एवरेज करे ये बात भी आप लोगों को मैंने बता दी अब देखिए ज़्यादातर सोचते हैं कि हमारा एवरेज 90, 85, 80, 75, 70 सेवेंटी गया तो भी हमारा एवरेज कितना बनेगा आप देखिए इसके अंदर जितना भी क्वांटिटी आप ले रहे हैं जितने भी लेवल पे आप पैसे लगा रहे हैं डिवाइडेड बाई फाइव करिए अगर आप तीन बार एवरेज करें तो डिवाइडेड बाई थ्री करिए अगर आप ज्यादा चार बार एवरेज करें दो बार एवरेज करें डिवाइडेड बाय कपल ऑफ टाइम्स आपने कितने बार एवरेज किया है वैसे ही एवरेज स्ट्रैटेजी मेंटेन करी जाती है आपको एवरेज प्राइस जब का जब भी मालूम हो जाएगा बैकअप कैपिटल भी आप क्वांटिटी के हिसाब से निकाल के रख सकते हैं दोस्तों अब आगे चल के आप सभी को मैं इंट्राडे टारगेट बताने वाला हूँ कल के लिए तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों आप लोगों को बहुत तो शुक्रिया करना चाहता हूँ मैं आप लोगों के कहने पे मैंने थोड़ी बहुत एडिटिंग चेंज की है मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग कह रहे थे कि सर बोर मार रहा है कुछ एडिटिंग चेंज कीजिए चेंज कीजिए तो देखिए मैं तो ये एडिटिंग चेंज कर चुका हूँ पर मेरे बातें तो वैसे ही रहेंगे दोस्तों मुझे चेंज करने के लिए मत कहिए ठीक है ठीके? आज का दिन है फोर्टीन सितंबर 2020 मंडे एनटीपीसी का क्लोजिंग प्राइस है आप लोगों को अभी बता दिया था 90.85 पैसा ये मैं टारगेट निकाला हूँ दोस्तों फिफ्टीथ सितंबर 2020 ट्यूसडे यानी कल के लिए ये मेरा एक्सपेक्टेड प्राइस दोस्तों यानी कल के दिन ये लेवल पर जाते हुए दिखा नाइन्टी लेवल पर जाते हुए दिखा आप मेरे लेवल पर बइंग साइड लेके चल सकते हैं

ट में ट्रेड करने के लिए आप अभी स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए कल के दिन स्टॉप लॉस इट्ठा हो रहा है और टारगेट इट्ठो हो रहा है तभी तो आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है नुकसान कितना हो रहा है समझ में आ जाएगा